नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक खालिस्तान रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथी और अलगाववादी प्रवासी भारतीयों के साथ भिड़ गए। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने एक ट्वीट करके बताया कि मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में खालिस्तानी समर्थकों के हमलों में 5 लोग घायल हो गए हैं। विदेशी जमीन पर खालिस्तानियों द्वारा भारतीयों पर एक बार फिर से हमला किया गया है। एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि खालिस्तान के समर्थक हैं। ये वीडियोस ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का है जहाँ से कुछ ही दिनों पहले एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया था, जिससे मेलबर्न के हिंदू मंदिर अभी खतरे में नजर आ रहे हैं। मेलबर्न में सेपरेटिस्ट खालिस्तानी प्रवासी भारतीयों के साथ भिड़ गए हैं। भारत में और बल्कि बाहर विदेश में जो बैठे हुए पाक ऑक्यूपाइड पत्रकार हैं, वो चाय के नुक्कड़ों में बैठे रहते हैं, कैफेज में महंगी चाय पी के चुस्कियाँ लगाकर गंगा ढाबा में डफली बजा के कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। लेकिन जो क्राइम्स इंडियंस के साथ विदेशी जमीन पर हो रहे हैं उसके बारे में वो लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। रविवार 29 जनवरी 2023 को कैनेडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी रेफरेंडम आयोजित किया गया। इस दौरान ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें पता चलता है कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और भारतीयों पर खालिस्तानियों ने दौड़ा दौड़ा कर हमला किया। यही नहीं, इन लोगों ने भारतीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका अपमान भी किया। जब ये हिंसा हो रही थी उस दौरान ऑस्ट्रेलिया की पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही थी। यह घटना खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत विरोधी नारों के साथ 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद हुई है। सबसे पहला जो हमला था वो 12 जनवरी को हुआ था, जो कि खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर किया था। यह हमला मेलबर्न के बैप्स स्वामी नारायण मंदिर पर हुआ था। मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद खालिस्तानियों ने मंदिर की दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी हिटलर है और भिंडरा वाले जिंदाबाद जैसे नारे लिखे थे। इसके बाद खालिस्तानियों ने 16 जनवरी 2023 को मेलबर्न के ही कैमरन डाउन्स में स्थित श्री शिवा विष्णु टेम्पल पर भी दूसरा हमला किया था। तोड़फोड़ के बाद मंदिर की दीवारों पर टारगेट मोदी, मोदी हिटलर और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे गए थे। वहीं तीसरा हमला मेलबर्न के ही अल्बर्ट पार्क इलाके में स्थित श्री श्री राधा वल्लभ मंदिर में 22 जनवरी 2023 को हुआ था। इस मंदिर को इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं। हमले के बाद मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे गए थे। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी भिंडरा वाले के शहीद बताने वाले लोगों ने ऐसे नारे लिखे और जगह जगह लिखे। कई बार ये भी बातें आती हैं सामने कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान द्वारा फंड की जाती हैं, जो कि की जाती हैं। कनाडा में अशांति फैलाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जब ये अपनी आइडियोलॉजीज थोपने की कोशिश करने पे आए हैं, अपना रेफरेंडम रखने के लिए आए हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हमले हमारे सामने आ रहे हैं। वहीं अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के ज़रिए सामने कुछ हमारे वीडियोस आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि खालिस्तानियों से बचने के लिए एक व्यक्ति भागता है और पूरी कोशिश करता है भागने की, लेकिन सड़क पर गिर जाता है। लेकिन निहत्ता पाकर खालिस्तानी फिर उसको लगातार पीटने लगते हैं। बीते कुछ 20 दिनों में खालिस्तानियों ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करते हुए देश विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। आपको याद ही होगा कि 2021 में कि किस तरह से भारत मूल के विशाल जूट को खालिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया में प्रताड़ित किया था, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए थे। विशाल नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसकी राष्ट्रभक्ति उसी पर भारी पड़ गई थी। उसे झूठे आरोपों में जेल में बंद किया गया था। उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने वहां खालिस्तानियों का विरोध किया। खालिस्तान समर्थक विरोधी, मोदी विरोधी और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में विशाल ने तिरंगा फहराया था। खालिस्तानियों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने विशाल के साथ मारपीट की थी और इन सब के बाद उसको जेल में बंद करवा दिया था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने बताया कि खालिस्तानियों के इस हमले के बाद अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की उम्र कुछ 30 साल के आसपास बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई हिंदू मीडिया ने ट्वीट करके कहा कि खालिस्तानी गुंडों के हाथों में तलवार थी, जिन्होंने तिरंगा पकड़े हुए भारतीयों पर हमला किया। पुलिस ने आज मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द पैम्फलेट में। धन्यवाद।